और चलिए महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, हिसार में पुलिस और किसानों में झड़प हुई है, पुलिस पर किसानों ने किया है पथराव। ये बड़ी खबर, पुलिस ने उपद्रवियों पर दागे आंसू गैस के गोले, सीएम मनोहर लाल के जाने के बाद किसानों पुलिस में तनातनी यहां पर देखने को मिली। कोविड अस्पताल की तरफ बढ़ रहे थे किसान, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बताएं, जहां पर पुलिस पर किसानों ने किया पथराव, पुलिस ने उपद्रवियों पर दागे आंसू गैस के गोले, सीएम मनोहर लाल के जाने के बाद किसानों और पुलिस में तनातनी। ये तस्वीरें भी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये तस्वीरें देखिए, समझिए हालात। बिल्कुल, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी हिंदुस्तान सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है कि इस तरीके से यहां पर देखिए भीड़। सबसे पहले आप समझिए कि कितनी तादाद में लोग यहां पर, जिस तरीके से पुलिस और ग्रामीणों में यहां पर तनातनी देखने को मिली, और उसके बाद पुलिस को मजबूरन यहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये तस्वीरें जी हिंदुस्तान सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। पुलिस और किसानों में झड़प हुई है, पुलिस पर किसानों ने पथराव किया है, पुलिस ने भी उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। तो देखिए जो जानकारी अभी तक सामने आ पा रही है वो ये बता रही है कि सीएम मनोहर लाल यहां से जाते हैं और उनके जाने के बाद किसानों और पुलिस में तनातनी का ये माहौल पूरा देखने को मिलता है। देखिए बहुत ज्यादा आक्रोशित यहां पर किसान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है। जो तस्वीरें हिंदुस्तान सबसे पहले आपको दिखा रहा है, हिसार से तस्वीरें सामने आई है। जानकारी यह भी सामने है कि जब ये तनातनी का पूरा माहौल देखने को मिला तो पुलिस यहां पर मजबूर नजर आई और पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले यहां पर दागने पड़े। और जो ये किसान थे वो कोविड अस्पताल की तरफ बढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचे, उनके जाने के बाद ये पूरा हंगामा यहां पर देखने को मिला। बिल्कुल, और अब आगे देखना ये होगा कि कैसे इस पूरे सिचुएशन को नॉर्मल किया जाएगा। हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव खबर भी लगातार हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस और किसानों में ये झड़प हुई है। और अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ेगा कि किस तरह से ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि यहां पर स्थिति को नॉर्मल किया जाए। चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर जी मीडिया सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित से और भी जानकारी ले लेते हैं। रोहित, तस्वीरें जी हिंदुस्तान एक्सक्लूसिवली दर्शकों को दिखा रहा है, आपसे और भी समझना चाहेंगे क्यों यहां पर ये बवाल पूरा नजर आया, क्यों आखिर ग्रामीण जो किसान है वो यहां पर इतने ज्यादा आक्रोशित नजर आए। देखिए अगर इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज हिसार में दौरा था। उन्होंने यहां पर जिंदल मॉडल स्कूल में 500 बेड का विशेष अस्पताल, जो कि कोरोना के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल है जिसका नाम चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल रखा गया है, उसका आज उद्घाटन करने का कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब इस कार्यक्रम का एक तरह से शिरकत करने के बाद, अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद वापिस लौट गए थे, तो उसके बाद किसानों के संगठन ने जो है इस अस्पताल की तरफ कूच करना शुरू कर दिया था। रास्ते में पुलिस ने उन्हें अस्पताल की तरफ बढ़ने से रोका, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से करनाल में मंच को उखाड़ फेंका था तो शक यही था कि कभी किसान गुस्से में आकर इस अस्पताल में कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। इसी के मद्देनजर पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती और आंसू गैस छोड़े गए, बकायदा कुछ किसानों पर लाठियां भी भांजी गई है और थाने से भी कुछ किसानों की तरफ से पथराव जो है वो पुलिस कर्मियों पर किया गया है। बहरहाल अगर फिलहाल की स्थिति की बात करी जाए तो फिलहाल पूरी स्थिति जो है अंडर कंट्रोल है, सब कुछ शांत है, लेकिन अगर माहौल की बात कर ली जाए, जिस तरह से अभी एकाएक गर्म माहौल बना था, तो अब जो है पूरी तरह से स्थिति जो है कंट्रोल में है। बिल्कुल, स्थिति कंट्रोल में है। रोहित, आप ये बता रहे हैं, तस्वीरें तो काफी कुछ बयां कर रही है। इस पूरे मामले में आगे और भी पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत होगी रोहित, क्योंकि जिस तरह से ये मामला हुआ, हालांकि समय रहते इसको संभाल लिया गया, स्थिति और खराब हो सकती थी।
देखिए अगर इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो पुलिस को खुद को अंदाजा नहीं था कि एकाएक किसान जो है अस्पताल की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस के पास इनपुट पहुंचा कि किसान इस तरफ कूच कर रहे हैं तो उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया था। फिलहाल स्थिति की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पूरी स्थिति अंडर कंट्रोल में है, लेकिन पहले की अगर बात कर ली जाए तो जिस हिसाब से इंतजाम होने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं खामियां जरूर रह गई थी। हालांकि एहतियात की बात ये भी रही कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां से निकल चुके थे, उसके बाद ये बवाल हुआ है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और किसान जो है वापस लौटना शुरू हो चले। बिल्कुल रोहित, राहत की खबर यही है कि जो स्थिति इससे पहले तस्वीरों में हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं वो अब कंट्रोल में आ चुकी है। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और उसके बाद पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी तादाद में किसान यहां पर इस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह हंगामा बरपा, लेकिन अच्छी बात आप ये समझिए कि ये पूरा मामला अब कंट्रोल में है। यहाँ पर जो सिचुएशन थी उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा संभाल लिया गया। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी रोहित बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन को भी अंदाजा नहीं था कि इस हद तक स्थिति खराब हो जाएगी, इस हद तक सिचुएशन खराब हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह कि सिचुएशन अब यहाँ संभाल ली गई।